थैंक यू ऑल, थैंक यू गॉड कि मैं टियांशियन हूँ, और थैंक यू पालवी बसनेश्वर क्योंकि अवर ग्रेट मेंटर, बचपन से ही फादर का मैंने कोई मतलब ये नहीं लिया है क्योंकि बचपन से ही मैंने फादर को खो दिया है, पर कभी भी मुझे कभी अभी वो फादर संस्कार देते हैं, पर मेरा कैरियर जो बनाने में मेरा फादर का रोल किया है वो हमारे रिस्पेक्टेबल मिस्टर पालवी बसनेश्वर है। तो प्लीज प्लीज सब क्लाउड करो या तो चिल्लाओ या तो कुछ भी करो क्योंकि गुजरात को खड़ा करने में ओनली रोल करते हैं हमारे सब, क्योंकि मैं बिफोर कोरोना बिफोर एपिडेमिक हमारा काम बहुत ही अच्छा चल रहा था, पर जैसे ही कोरोना टाइम में भी मैंने मेरा रैंक अचीव किया, सिल्वर लायन गोल्ड लायन की जो लोगों का ड्रीम होता है वो रैंक मैंने ओनली 3 साल में अचीव किया, पर मुझे बाद में एक ड्रॉबैक्स आया कि हमारी टीम को हम नहीं मिल पाए, मीटिंग नहीं कर पाए क्योंकि 2 साल कोरोना आ गया था, बहुत सारे विलेज एरिया में रहते थे, नेटवर्क इश्यू था, जूम में नहीं आ सकते थे, तो मैं डर गई थी कि मैं क्या करूं, अब मेरा कौन सहारा बनेगा क्योंकि मुझे अकेलापन का फील हो रहा था। तब जाके मेरा हाथ पकड़ के जो मुझे चलना सिखाया फिर से वो है हमारे रिस्पेक्टेबल मेंटर पालवी बसनेश्वर, तो उनका मैं कभी भी वर्ड्स में मैं कभी भी उनका थैंक यू नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि ये फील होता है। अभी जो भी क्रेडिट जाता है मेरे हिसाब से हमारे पालवी बसनेश्वर को, तो हम बिल्कुल ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे और फिर से गुजरात को हम जैसे डायमंड सिटी, तो डायमंड सिटी और हमारा आईडीनेट सिस्टम भी डायमंड क्रिएशन फैक्ट्री है, गोल्ड लाइन क्रिएशन फैक्ट्री है, तो हमें उसमें लगे रहना है और टिके रहना है क्योंकि 19 ईयर अगर एक्सपीरियंस है तो उसमें भी उतार चढ़ाव आए होंगे, कितना भी स्ट्रगल्स एंड हर्डल्स आए होंगे, पर लगे रहे और आज हमारे सामने जिसको लॉयल्टी रिवॉर्ड अवार्ड मिल रहा है तो रियली अंदर से प्राउड होता है कि वो हमें मिला है क्योंकि हमारा खुद का फीलिंग ऐसा है कि एज अ फादर। तो मैं तो बिल्कुल सर की छत्र छाया में रहूंगी, जैसे भी बोलेंगे वैसे मैं करती जाऊंगी, और मुझे पक्का पता है कि मैं डायरेक्टर बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता क्योंकि मैं पागल हूँ, रियली मैं पागल हूँ, टियांस को लेके मैं पागल हूँ। कितने भी लोग बोलते हैं कि रात दिन दौड़ती है भागती है, पर मुझे जुनून है और जिद है और मुझे आगे टियांस में जाना है क्योंकि बिफोर टियांस में जिंदगी काट रही थी, जॉब करती थी, अच्छा सैलरी था पर कोई लाइफ का एंजॉयमेंट नहीं था, और आज कितनी बार हम दोनों की शादी हो रही है, सोचो इतना ये फीलिंग कोई नहीं दे सकता। तो टियांस एक कॉम्बो है हमारे मिस्टर ली जिन्यून सर की, थैंक यू कि हमारे लिए एक ऐसा इंडस्ट्री बनाया, उनको सारा श्रेय उनको जाता है क्योंकि अगर टियांस नहीं होता तो हम यहाँ नहीं होते और हम पूरा टियांस फैमिली यहाँ नहीं होते क्योंकि ये एक मेरे लिए तो एक चमत्कार है कि जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई तब मेरे दिमाग मेरी आईज मेरा दिल सब खुला था, वो अपॉर्चुनिटी मैंने पकड़ ली और ओनली 3 से 4 साल में मुझे एक ऐसा रैंक मिला कि चारों जगह पे हमारा फोटो, तो हम कैटरीना कैफ और ऐश्वर्या से कम नहीं है क्योंकि हम तो कर भला हो भला का बिजनेस कर रहे हैं और हमारा बिजनेस जैसा बिजनेस कहीं हो ही नहीं सकता क्योंकि सारी जगह पे आपको वेल्थ मिलेगा, तो हेल्थ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा या तो आपको खुद की लाइफ नहीं जी पाओगे अपने अंदाज से, पर आज सब कुछ है हमारे हमारे साथ, कितना बड़ा मैनेजमेंट है, हार्टली थैंक यू हमारे कंट्री हेड मिस्टर लियोनार्ड सर क्योंकि जब से वो आए हैं एक 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 रीजन में जो मीटिंग दे रहे हैं उससे ही हमारा पता चल जाता है कि हमारा इंडिया टियांस नंबर 1 बनेगा क्योंकि इतना ज्यादा रश स्ट्रगल करके सूरत आए
वरना वो एक्सक्यूज बता सकते थे कि मैं मीटिंग शेड्यूल में हूँ, पर फिर भी वो वैल्यूएबल टाइम हमें दिया। तो रियली सर आपका थैंक यू, हार्डली थैंक यू। और हमारा मैनेजमेंट सर को कौन नहीं जानता, इतने काइंड हार्ट है कि कभी भी हमें कुछ भी अगर ऑफिशियल वर्क या तो क्लाइंट्स के लिए कुछ काम करना हो तो विकास सर हमारे लिए एनी टाइम खड़े होते हैं। और एवरी बीबीएस टीएसएस में वो आते हैं। और एक प्राउड मुझे ये होता है कि बीइंग अ स्टाफ वो टीएसएस का बैच लगा सकते हैं। तो सोचो, हमें तो प्राउड करने वाली बात है कि हम टीएसएसियन है, टीएसएस की रोजी रोटी खा रहे हैं, तो हमारे साथ भी टीएस का बैच होना चाहिए जिसकी वजह से हमें प्राउड हो। जैसे साउथ अफ्रीका के सर ने बोला कि आर यू टीएसएसियन, यहाँ पे टीएस क्यों। तो ये एक हमारी पहचान है। और ये सारी जर्नी 3.5 साल में बहुत स्ट्रगल्स आया, बहुत प्रॉब्लम्स आई, किसी को बोलती नहीं थी, अकेली अकेली रो लेती थी, फिर भी करना है मतलब करना है। एक जिद और एक जुनून, ये कोई धक्का गाड़ी से बिजनेस नहीं चल सकता जितना खुद के ऊपर बिलीव हो। वो आप जो डायरेक्शन में जाना चाहोगे वो आप जा पाओगे। 3.5 साल वेरी सक्सेसफुल जर्नी, गोल्ड लाइन का रैंक, 12 फॉरेन ट्रिप अचीव किया, ग्लोबल रॉयल्टी एंजॉय कर रही हूँ, और बहुत सारी फीमेल के घर में जो खुशियाँ मिल रही है तो वो लाजवाब है। और उसके लिए सारा श्रेय जाता है हमारी टीएस फैमिली को, मेरी खुद की फैमिली, मेरे हस्बैंड एवरी स्टेट में मेरे साथ है। वरना बच्चे को छोड़ के 15-15 दिन स्टेट आउट स्टेट जर्नी करती हूँ, सोचो उनको कितना तकलीफ पड़ता होगा, पर वो मेरे हमेशा साथ है। उसके लिए थैंक यू गॉड कि मुझे अच्छे हस्बैंड मिले, सब कुछ अच्छा मिला। हमारा टीएस का प्रोडक्ट प्लान, हमारा सिस्टम, हमारा मैनेजमेंट और हमारा माहौल सब कुछ है, फिर भी अगर काम नहीं हो रहा है तो कमी हमारे में है, ढूंढना है, सुधारना है। उसके लिए कुछ भी सपोर्ट चाहिए, एनी टाइम रेडी हूँ। रात को 12 बजे भी फोन कर सकते हो, आपको गाइड करेंगे। पर अब गुजरात टीम को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी काम करेंगे प्लानिंग के साथ, ट्रेनिंग लेते लेते और सिस्टम के साथ काम करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा खुद बोलता है, हार्ड वर्कर हम पहले से हैं और अब ओनली बाकी रहा हमारा सिस्टम। तो मैं एक रिक्वेस्ट मेरी टीम को करूंगी कि एवरी डे कुछ भी डेमो करो, प्लान करो ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आप आईडीनेट सिस्टम में डेली 1 घंटा आप आ जाओ, आपका लाइफ वहाँ चेंज होगा। ये किसी का मानेंगे नहीं, पर देख रहे हैं हिमाचल टीम और हरियाणा टीम को, उनका ग्रोथ हम देख रहे हैं। तो मेरी एक ही विश है कि सब हम जूम में ट्रेन होंगे, डे बाई डे कुछ ना कुछ लर्न करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एनी टाइम मैं साथ हूँ। और थैंक यू माई ऑल लायंस, नैना राखोलिया एंड नैना शियाणी, ऑल एट स्टार्स एंड ऑल फैमिली मेम्बर्स, माई ऑल अपलायंस and all business partners, and khas thank you Mr. Yograj sir ki aap Himachal se yahan aaye aur hamari shobha badhai. Aapko nahi pata hai ki aapka presence hamare liye kitna important hai. To really thank you sir, ye bilkul hum yaad rakhenge. Aur thank you AK Panchal sir ki jo Haryana se aaye aur hamare liye aaye. To thank you all core leaders and thank you Uma ma'am. उमा मैम का सपोर्ट, और आज पहली बार सूरत में आके उसने एक शोभा बढ़ाई और एक मैसेज पास किया कि हम फैमिली बिजनेस ये बना सकते हैं। और थैंक यू हमारे होस्ट सिल्वर लायन, हमारे मेंटर शेखर बोरा सर, वेरी यंगेस्ट सिल्वर लायन। तो मेरी टीम में मोस्ट ऑफ यंगेस्ट लोग हैं, उनको मैं एक मैसेज पास करूंगी। आज आपके पास एनर्जी है, टाइम है, बेस्ट आइडियाज होते हैं बिजनेस कैसे करना है, उनको सिर्फ इंप्लीमेंट करके आप काम कर सकते हो। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू। लास्ट में मेरे मैजिकल वर्ड, बेटर टीएस बेटर लाइफ। आई लव टीएस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गो लर्न एवरीवन सो। थैंक यू सो मच मेरे हस्बैंड को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग।